पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल हार्ड था थोड़ा, जो हो गया सो हो गया, एक मिस्टेक भी हो गया। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल दिसंबर वाले से पहले लिटरल भी था, अच्छा। पेपर वन कैसा? मुझे तो सेकंड से ज्यादा डिफरेंस। अच्छा, मतलब आपका हिस्ट्री थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू पेपर वन है। तो आपने इतिहास वगैरह कहीं से पढ़ा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिले यहाँ पे, मेरे यूट्यूब वाले बच्चे, और बहुत एक्साइटेड थे। उनका पेपर अच्छा हुआ क्योंकि जितना प्रैक्टिस कराया था यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, जैसे शूद्रक वगैरह वाला जो कराया गया। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि इस बार कटअप जो है ज़्यादा होने की चांसेस है? अच्छा, दिसंबर वाले से कम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट हो आपका। रोशन कुमार, कहाँ से हैं आप? शिवर से आए हैं। अच्छा, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा था, कैलकुलेटिव था उसका, डीआई वगैरह, मतलब मैं ओवरऑल यूँ कह सकता हूँ कि पेपर वन जो है ना, पेपर टू के बनिस्बत ज़्यादा टफ था। इस बार पेपर वन में मुझे ऐसा लगता है कि 100 में 50-55 क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा ही है। ऑल द बेस्ट आपके लिए। मेरा नाम एजाज खान है। आपका नाम एजाज खान है। कैसा हुआ पेपर ये? सब अच्छा गया आपसे पढ़ने तो अच्छा तो जाएगा। तो पेपर टू मतलब एज कम्पेयर टू पेपर वन थोड़ा सा जल्दी लगा, पेपर वन थोड़ा सा टफ लग रहा था। ऐसा ही मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट से पता चला कि पेपर वन कैलकुलेटिव था और पेपर टू इजी था। मुझे ऐसा लगता है हर एक सेक्शन से, इस बार सिनेमा से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनेमेटोग्राफी के अलावा आपने हिस्टोग्राफी से क्वेश्चंस देखे हैं। ओवरऑल मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस बार का कटअप जो है दिसंबर जैसा ही जाएगा। दिसंबर के पेपर से थोड़ा सा टफ बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं और भी स्टूडेंट्स से। कौन सुधा कुमारी, कहाँ से तो शिवर से आई है मैडम। मैडम से पूछते हैं कि पेपर टू हिस्ट्री में कैसा रहा इनका? मैडम हिस्ट्री में कैसा रहा आपका? अच्छा लग रहा था, कंफ्यूजिंग था। टोटल अटेम्प्ट करके आई हैं आप? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 के अराउंड में बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस थे, लेकिन वन लाइनर में भी मैचिंग नहीं पहुँचा। मैं ओवरऑल यूँ कह सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि ईजी था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टफ था। मैं अगर रिव्यू दूँ तो मैचिंग दी फॉलोइंग में जो कोडिंग होता है वो कहीं ना कहीं टफ बनाता है क्वेश्चंस को, और इस बार की कटअप पिछले बार से ज़्यादा जाने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कैसा हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था। पेपर टू कैसा था? हार्ड था थोड़ा हार्ड था मैचिंग दी फॉलोइंग की वजह से। पेपर वन का डीआई कैसा था? डीआई आसान था, मतलब आप लोग की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसका मतलब। हाँ, ओवरऑल सारे अटेम्प्ट करके आई हैं आप लोग? चलिए ऑल द बेस्ट, हम लोग कामना करते हैं अड्डा की परिवार आप लोग की सिलेक्शन हो। अभिजीत, अभिजीत कैसा हुआ पेपर? बस ठीक ठाक ही गया। ठीक ठाक, कितना अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट तो पूरा किया था, बट सही का आशा जो है बहुत 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 कम है। अच्छा, क्योंकि इस बार जो पेपर टू जो था हाँ। वो काफी ज्यादा मतलब मैचिंग दी फॉलोइंग वाला था। हाँ, बहुत सिंपल और सीधा क्वेश्चन। नहीं, सीधा क्वेश्चन कोई भी नहीं। भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मुजफ्फरपुर के सेंटर्स पे हूँ। ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स मिले आज, बड़ा अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स आपका पढ़ाया हुआ का रिव्यू दे। मैडम ये बताएं, आपने पेपर सेकंड कैसा हुआ आपका, हिस्ट्री का पेपर? क्या लगता है कि जो साथ जो मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, आपकी प्रिपरेशन वैसे कहाँ से हुई? तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का थोड़ा सा हर बार की तरह डीआई की जो बात करूँ मैं, डीआई कैलकुलेटिव देखने को मिला है। दूसरा है कि हिस्ट्री का पेपर भी लेंदी है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत इजी है, एक्चुअली में मैचिंग दी फॉलोइंग होने की वजह से लेंदी बनाता है हमारे इस पेपर को, मतलब यूँ कहें कि बिना डेप्थ स्टडी किए हुए आपका सिलेक्शन नहीं होता। कि जो पेपर है आज हिस्ट्री का पेपर हुआ, कैसा था और क्या सजेशंस हैं आपके लिए इस पेपर के लिए? कलरिंग में आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। अच्छा, ऑनलाइन बेटर है, लिखने में थोड़ा जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप क्या कहना पसंद करेंगे कि ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल है? आप क्या कहते हैं? ऑनलाइन बेस्ट है सर। ऑनलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन में टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है गोला घेरने में। क्वेश्चन
ऑनलाइन रहता है उसका क्वेश्चन काफी लेंदी रहता है। क्वेश्चन अच्छा। था लेकिन आंसर जो था वो काफी ऑप्शन दिए हुए था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ फायदे हैं ऑनलाइन के तो कुछ बस वो क्वेश्चन को वहाँ से सॉर्ट करके यहाँ रखा है, क्वेश्चन सॉर्ट रखा जो कि पेपर में था पर आंसर यहाँ काफी लेंदी था, आप इसलिए नहीं टैकल कर पाते अगर सारे आंसर को आप नहीं पढ़ लेंगे तो। और दूसरा ये ओएमआर सीट को रंगना जो होता है उसका प्रैक्टिस छूट गया है हम लोगों का। अच्छा। अब हम लोगों को ज्यादा अच्छा पसंद आता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही ज्यादा पसंद आता है, इसमें हम आंसर मॉडिफाई कर पाते हैं, इसमें आंसर मॉडिफाई नहीं कर पाए, जो हो गया सो हो गया, एक दो मिस्टेक भी हो गया क्योंकि हमारा प्रैक्टिस छूट चुका है अब ओएमआर में।